गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी शादी को 19 साल कंप्लीट हो गए, 20वां साल लग गया। जैसे लाइफ के जिस पड़ाव में हम लोग पहुंच गए, अब इसे कह सकते हैं कि हम लोग आधी उम्र हम लोगों ने जी ली। और बड़े ब्लेस्ड होते हैं बेटा जिनको जीवन का एक एक पड़ाव खुशी से मनाना चाहिए। तुम जिस उम्र में हो ना, बहुत सारे बच्चे उस उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते। तो कितने लकी हो कि तुम लोग 20 के, 18 के, 19 के, 21 के हो गए। जब हमारी उम्र में जाओगे तब पता चलेगा कि ये भी एक अचीवमेंट है। बहुत लोग हैं ना 40 भी पार नहीं कर पाते, कितने लोग हैं। फिर जब तुम 50 क्रॉस करोगे तो तुम्हें फील होगा यार ये भी ब्लेसिंग है कि हम 50 साल तक ठीक ठाक स्वास्थ्य के साथ, अपने काम धाम के साथ ढंग से जी पा रहे हैं। रोज़ ये फील करना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा, कुछ लोगों से, कई करोड़ों लोगों से तो हम ब्लेस्ड हैं। हम जिस उम्र में है ना बेटा, हम लाइफ को तुम्हारी नज़र से, अलग नज़र से देखते हैं। कारण तुम लोगों के पास, जो तुम जिस उम्र में हो, सब लोग इसी उम्र में थे एक टाइम पे। सुनील सर भी थे, परिमल सर भी थे, मैं भी थी। हम देखते हैं जिंदगी का जो टाइम पीरियड जिसने सही तरीके से जिया ना, और ज़िंदगी के हर पड़ाव के कुछ काम होते हैं। जैसे जिस पड़ाव में तुम लोग हो इस टाइम, सबसे पहला टारगेट रखो ज़िंदगी को बेहतर बनाना, और जहाँ है उस स्टेज से अगली स्टेज पे जंप करना। तो बेटा लाइफ में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब जिस स्टेज में तुम हो ना, देखो मैं पर्सनली किसी एक एक को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं तो जवान होते होते एक सपना होता है कि कैसे अपनी कैटेगरी को बदलें। जिस घर में तुम रहते हो, जो तुम्हारे हालात हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी, समाज में जो तुम्हारी वैल्यू है, अभी फ़िलहाल ज़ीरो मानो, निल है, वो वैल्यू बनानी पड़ेगी। और वो बनेगी कैसे? जब तुम खूब मेहनत करोगे। सबसे ज़्यादा जो बदलाव ला सकती है ना ज़िंदगी में, जो स्टेज है, उस स्टेज में तुम लोग हो बेटा। अब जैसे सुनील सर हैं, हम लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे वाले पड़ाव में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसीलिए हम अपने परिवार के जहाँ पे जिस स्थिति में थे उससे काफ़ी ऊपर तक आ पाए। अगर हम तुम्हारी वाली एज में मेहनत ना करते तो उसी स्थिति पे शायद रह जाते जहाँ हमारे पेरेंट्स थे। मैं कमज़ोर किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि भगवान ने अगर हमें इंसान के रूप में जीवन दिया, हम कुत्ते, बिल्ली, शेर या किसी भी जानवर से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वो अपने जीवन को बदल नहीं सकते। एक इंसान के रूप में जब जीवन मिला ना, तो तुम इसको बदल सकते हो बेटा। अपने घर के कमरों की स्थिति देखो, अपने घर में तुम हालत देखो, जैसा तुम्हारा घर है। अगर इच्छा है कि वो बदले, तुम्हारे घर के हालात बदलें, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ पैसे जमा हों, तुम्हारा घर परिवार खुश रहे, तुम हर त्यौहार को खुशी से मना पाओ, तुम्हारे लिए दिवाली होली का मतलब सच में पैसे खर्च करके और कुछ खुशियाँ खरीद लेना। बहुत लोग कह देते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं आती, पर बेटा ये रियलिटी है, बिना पैसे के खुशी नहीं मिल सकती। बिना पैसे के आप कैसे एंजॉय करोगे? परिवार के साथ आपको होली दिवाली मनानी है। अब दिवाली पे आपके पास पैसा है भाई, 20,000 रुपये खर्च करने के हैं, तो आप नए कपड़े ले आओ, आप अपने घर को सुंदर बना लो, आप अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगा लो, खूब गुलाब की पंखुड़ियाँ भगवान की पूजा में बिछाओ, अपने आप मन खुश होगा। एक घर में 1,000 रुपये की भी किल्लत है और आपको लगता है कि यार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो फिर कैसी दिवाली और कैसी होली? ये जो खुशियाँ हैं ना, ये बटोरनी पड़ती हैं, और ये बटोरने के लिए आज के इस टाइम में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली प्रायोरिटी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ से मेहनत स्टार्ट करो। और जितना टाइम बीत गया सो बीत गया, छोड़ो उसको, बीत गई सो बात गई। 2024 का सितंबर का एंड आ गया। अगर तुमने अब तक भी सीरियस होके नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी भी लाइफ का एक लंबा हिस्सा तुम्हारे हाथ में है। अब से स्टार्ट कर दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने जम के तैयारी करो SSC GD की। जनवरी में पेपर है ना, जनवरी फरवरी, अपनी जी जान लगा के पढ़ो। ईश्वर ने चाहा, अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे थे ना, और 3 महीने अब 100 डेज का टारगेट लेके बहुत बढ़िया वाली मेहनत कर गए, तो क्या पता तुम में से कुछ लोग उसमें निकल जाएं। आगे जाके कितने सारे एग्जाम्स होंगे, 50,000 वैकेंसी तो इसी महीने में है। मेहनत करो बेटा, मेहनत ज़िंदगी को बदलती है, हमारे स्टैंडर्ड को बदलती है। लाइफ को अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो ना, तो पैसा कमाना मस्ट है। बिना पैसे के कोई नहीं है। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की यारी, कोई भी सगा नहीं है। जब तुम काबिल हो तो सारे रिश्ते सुंदर हैं।
फिर चाहे वो तुम्हारे घर के हों, पड़ोस के हों, रिश्तेदार हों या यार दोस्त हों, मज़े करने हैं ना ज़िंदगी में, तो अब थोड़ी सी मेहनत करो, ये मेहनत आगे की ज़िंदगी को सेफ, सिक्योर और मज़ेदार बना देगी। और अगर तुम अब मज़े ज़्यादा कर रहे हो ना, तो फिर आगे के 40 साल एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अभी तो ईश्वर की दया से तुम जिस उम्र में हो, अभी कोई खर्चे नहीं है बेटा, लेकिन आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद जब तुम बुजुर्ग अवस्था में आओगे, तो तुम्हें हर चीज़ चाहिएगी। तब भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए घर में, तो पैसा खर्च होता है, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी पैसा लगने लगता है, उस कंडीशन में कोई हेल्प नहीं करता। अगर आप जॉब में हो, आपके पीछे बैक ठीक ठाक हो गई, और गवर्नमेंट जॉब तो किसी भी नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी को, जो गरीब है, उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो खूब पढ़ो बेटा, इस स्टेज को ख़राब मत करो। ठीक है, मौज मस्ती अपनी जगह, हमने टीचर्स डे पे खूब मस्ती की, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दो दिन अगर हम लगा भी देते हैं ना ज़िंदगी के, तो वो ख़राब नहीं है, वो तो लाइफ में एन्जॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन हर रोज़ टाइम ख़राब कर देना, लेट आना, क्लास को बंक कर देना, ये तुम्हें नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा। लाइफ एक बार मिली है, करियर बनाने का मौका भी एक ही बार मिलेगा। 50 साल में जाके किसी के करियर नहीं बनते, एवरेज इंसान के। ये पीक टाइम है तुम्हारा मेहनत करने का, एक बार जम के बढ़िया वाली मेहनत पढ़ाई में कर लो, फिर अगले 30-40 साल आराम से ज़िंदगी जीना, फिर अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, तुम EMI भरने के लायक हो जाओगे। एक बंधी तनख्वाह हो जाएगी तो तुम घर बनाने के लायक हो जाओगे, तुम अपनी सारी चीज़ों को, सारे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे। तो खूब पढ़ो बेटा। और दूसरी चीज़, अपने कैरेक्टर पे थोड़ा सा काम करना। ये कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है, आजकल की तुम्हारी जो पीढ़ी है, बहुत लोगों को लगता है कि कैरेक्टर की भी क्या इतनी कोई ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है बेटा, जब एक एज क्रॉस कर जाओगे ना 35 से ऊपर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैरेक्टर की बराबरी कभी भी किसी भी चीज़ से आप कर ही नहीं पाओगे। अगर खूब पैसा है, खूब धनी हो और चरित्रवान नहीं है ना, तो फिर उनका घर परिवार और ये सब बिखर जाता है। अगली पीढ़ी को जो हम देके जाएंगे ना, वो घर और दौलत नहीं है, वो उनको चरित्र, उनका एक जो होता है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अगली पीढ़ी को देंगे। और वो कब देंगे? उदाहरण से आज तक कोई नहीं समझा। जैसे आप हो ना, ऐसी ही आपकी बेटियाँ बनेंगी आगे आने वाले टाइम में। अब जैसे आप हो, ऐसे ही आपके बेटे बनेंगे। अगली पीढ़ी को हम जबान से नहीं सुधार पाएंगे, हमारे रवैये, हमारे व्यवहार, हमारी बॉडी लैंग्वेज का सीधा असर हमारी अगली पीढ़ी पे जाता है। तो इसलिए ना बेटा, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, ईमानदार बनो, जिस काम को कर रहे हो चीटिंग मत करो, क्योंकि वो चीटिंग तुम अपने साथ कर रहे हो। अगर तुम क्लास बंक करते हो, तुम दो क्लास लेके भाग गए, तो किसके साथ चीटिंग है? हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, तुम दो क्लास लो, चार क्लास लो, एक क्लास लो, मत लो। तुमने एडमिशन ले लिया तो मत आओ, लेकिन इसका सीधा असर तुम्हारे ऊपर आएगा, ये तुम्हें कोई समझाने वाला भी है नहीं। जब तुमने एडमिशन ले लिया तो फर्स्ट से लेकर लास्ट क्लास जितने बजे तक हो, तुम्हें यहाँ रहना है। ये अपने ऊपर खुद बाउंडेशन लगानी पड़ेगी कि मुझे नहीं भागना, इस भागने से सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान है। यहाँ रह के अगर 5 घंटे की क्लासेस हो, 5 घंटे पढ़ो, कितनी नॉलेज यहाँ रोज़ मिलती है, कितनी चीज़ें यहाँ रोज़ परिमल सर, मैं, सुनील सर, अपनी प्रीति मैम या रीजनिंग वाले सर, हम सब सिखा रहे हैं। हम बेटा लाइफ को ना तुमसे ज़्यादा देख चुके, हमने लाइफ का बहुत लंबा पड़ाव देख लिया और हम जानते हैं क्या ठीक क्या गलत। तो हमारी बातों को ना ऐसे मत लिया करो, कभी टीचर डांट दे, बेइज्जती कर दे, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना। हमें तुमसे क्या लेना है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। हमने तुमसे एक फ़ीस का पोर्शन लिया, उसके बदले में फिर पूरे साल तुम्हें पढ़ाएंगे, पूरे साल तुम लोगों को जितनी चीज़ें तुम इस्तेमाल करोगे उसी पे सारी तुम्हारी फ़ीस हम लोग खर्च कर देते हैं। मेन चीज़ क्या है, सोसाइटी में अच्छे इंसान बने। अब तुम लोग जिस स्टेज पे हो, एक तरफ तो ड्रग्स, कितने लड़के लड़कियां आज इसी टाइम पे ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं। एक तुम लोग हो, बिना मन के ही सही, अगर क्लास में बैठे हो, मैं 100% श्योर हूँ, जो बच्चा एक साल तक चाहे आधे मन से क्लास लेता रहे, लेकिन वो पूरे साल अगर यहाँ 5-6 पीरियड पढ़ता रहा, तो तुम देखना एक साल में उसमें बदलाव आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बातें मन पे नहीं लगती, एक एक बात बेटा जो कान में जाती है ना, वो कहीं दिमाग के किसी कोने में और मन के किसी कोने में छप जाती है, और कभी ज़िंदगी में जब मुश्किल हालात आते हैं ना, तो वो बातें याद आती हैं। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, ईमानदार बनो, काम के प्रति डेडिकेटेड रहो और खूब जम के मेहनत करो बेटा। ये कुछ साल हैं बस आपके हाथ में, जिस दिन ज़िंदगी सेट हो गई, फिर लाइफ में आगे मज़े ही मज़े होते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि ज़िंदगी एक स्मूथ वो पकड़ लेगी, ज़िंदगी में नौकरी लगने के बाद भी अप्स और डाउन्स आएंगे। अगर तुम्हें इंसान के रूप में जीवन मिला ना, तो पहली बात यह है कि हम में से किसी को मोक्ष नहीं मिला हुआ।
अगर हमें मोक्ष मिलता तो हम यहाँ इंसान के रूप में होते ही ना. हमें दोबारा से ये जीवन मिला है तो इस जीवन को इस्तेमाल करो, अच्छाई की तरफ बढ़ो, ईमानदारी सीखो, डेडिकेशन के साथ काम करो और अपनी लाइफ में ना हमेशा एक टारगेट बना लो. अच्छा इंसान बनना है, नौकरी पाना पहली ज़रूरत है लेकिन फाइनली अच्छा इंसान बनना है. जहाँ हो, जिस दिन नौकरी लग जाए, जिसकी मदद कर सको, चाहे 5 रुपए के सामान की, एक पेन की, उतनी मदद ज़रूर करना बेटा. जहाँ पॉसिबल हो इंसानियत के लिए काम करना और हमेशा हमेशा सोचना कि जिस दिन मेरी लाइफ का एंड हो उस दिन मुझे ये संतुष्टि हो कि मैंने इस जीवन का जितना मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन मैं कर सकता था या कर सकती थी उतना किया. हमारे साथ इस दुनिया में बहुत लोगों का जन्म हुआ, तुम्हारे साथ भी, जो बहुत गलत रास्ते पे निकले हुए हैं. कोई उनमें से मर्डरर बन गया, कोई रेपिस्ट है, कोई क्राइम करता है, कोई पता नहीं कहाँ केस चल रहे हैं, माँ बाप के रोज़ के चक्कर लगते हैं. तुम कितने ब्लेस्ड हो, भगवान ने तुम्हारी बुद्धि को उस डायरेक्शन में जाने से रोक लिया और तुम्हारी बुद्धि को यहाँ तक ले आए कि कम से कम पढ़ाई कर लो. तो अपने आप को रोज़ फील करो ब्लेस्ड हो, मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो. और ईश्वर ने चाहा ना 2025 तुम्हारा होगा, नौकरी के साथ तुम्हारा होगा. चलो, मेरी तरफ से इतना ही. बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स. बस अपने काम पे अड़िग रहो बेटा. ईश्वर देख रहा है, हर एक का बही खाता है. कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, ये सब कुछ लिखा जा रहा है और ये सब लौट के तुम्हारे पास आएगा. चालाकी चलोगे तो चालाकी आएगी, अच्छाई करोगे तो वापस लौट के फाइनली अच्छाई ही आएगी. और अपने आप को पहली प्रायोरिटी पर इंडिपेंडेंट बनाओ और अच्छाई को अपने अंदर समाहित करते जाओ, अच्छी पर्सनालिटी के मालिक बनो. चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स बेटा.